नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत इस साल गोवा में भी वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार केवल एक ही चरण में वोटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या भी महज 40 ही है। ऐसे में इस बार वैलेंटाइन्स डे के मौके पर यानी कि 14 फरवरी को वोटिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 28 जनवरी तक नामांकन होंगे और नामांकन की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे, वहीं परिणाम 10 मार्च को आएंगे। पिछली बार यहां 4 फरवरी को मतदान हुआ था और वोटों की गिनती 11 मार्च 2017 को हुई थी। फिलहाल गोवा में भाजपा की सरकार है और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है। उनके पास अपने 25 विधायक है और एक निर्दलीय का समर्थन है। हाल ही में भाजपा के दो विधायकों यानी कि कोलार्ज अल्मेडिया और एलिना साल्दना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि गोवा के चुनावी समीकरण की बात करें तो गोवा एक हिंदू बहुल राज्य है, जहां पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। साल 2011 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 66.08% हिंदू यानी कि लगभग 9,63,877 हिंदुओं की आबादी है। वहीं गोवा के दोनों जिलों नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में हिंदू बहुल आबादी है। 15 लाख की आबादी वाले गोवा में 8.33% आबादी मुस्लिमों यानी कि 1.22 लाख की है। हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा तादाद राज्य में ईसाइयों की है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 25.10% ईसाई यानी कि 3.66 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में गोवा में हिंदुओं के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा दबदबा ईसाइयों का है। गोवा ऐसा राज्य है जहां महज 0.04% अनुसूचित जनजाति रहती है। यहां 0.10% सिख और 0.08% बौद्ध और जैन समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं अन्य धर्मों को मानने वाले लोग सिर्फ 0.02% है। प्रवासी या गैर गोवा भारतीय मूल के निवासियों की आबादी 50% से अधिक है, जो मूल गोवा की आबादी से अधिक है। अब बात करते हैं पर्यटकों के बीच मशहूर गोवा राज्य में आखिर चुनावी मुद्दे है क्या क्या। एक मीडिया हाउस की तरफ से हाल ही में किए गए शोध में ये पता चला है कि गोवा में सबसे पहला चुनावी मुद्दा है खनन का। दक्षिण गोवा का सबसे बड़ा मुद्दा खनन ही है। 2012 से पहले राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी पर्यटन से भी ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 10 साल से खनन बंद है। इस चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता में आने पर इसे दोबारा शुरू कराने का वादा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने तो सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर ही इसे दोबारा शुरू करने का वादा किया है। अगला मुद्दा है बेरोजगारी का। युवाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कोरोना की वजह से पर्यटन पर भी पड़े बुरे असर ने इसे बढ़ाने का काम किया है। पिछले 10 साल से बंद पड़े खनन कारोबार ने भी इसे बढ़ाया है। पहले राज्य की अर्थव्यवस्था में लौह अयस्क के खनन की हिस्सेदारी करीब 75% थी। वहीं एक और मुद्दा जो जोर शोर से उठाया गया है वो है भ्रष्टाचार का। गोवा में भ्रष्टाचार भी चुनावी मुद्दा है। विपक्ष राज्य में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तो गोवा को पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया है। हालांकि चुनाव के लिहाज से गोवा भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन भाजपा ने इस जोड़ तोड़कर अपनी सरकार दोनों राज्यों में बनाई। गोवा में इस बार भाजपा बिना अपने कद्दावर नेता मनोहर पर्रिकर के चुनावी मैदान में है और मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा का ही एक खेमा खासा असहज है। उधर कांग्रेस की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ इस बार तृणमूल कांग्रेस ने भी गोवा में खेमा ठोका है, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच हो सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।